भाई जगदीश और ब्राहिम मोहन के गांव में, और यहां पे बाढ़ की स्थिति बहुत ही खराब है और काफी फसल माल जाल का नुकसान हुआ है। आइए कुछ ग्रामीण से हम बात करते हैं। जी आपका परिचय? हमारा परिचय है ब्राहिम के पंचायत समिति मोहम्मद अली है। जी यहां पे क्या क्या नुकसान हुआ है? यहां तो फर्स्ट में नुकसान हुआ है जो अभी गना उना लगा हुआ है, गना उना लगा हुआ है, जो किसानों ने धान के बीज लगाया है वो भी सब नुकसान हो गया। और बांध के भीतर जो 12 और 13 जो है वार्ड है जो डूबी हुई थी उसमें मवेशी का जो है भारी नुकसान हुआ है, और जो भी है जानवर सबका नुकसान हुआ, बहुत दह भी गया है और घर के ऊपर तक छत पर भी पानी चल रहा था। तो हम लोग भी जाके माने बहुत प्रयास करने के बाद में प्रशासन लोग आए और सारा व्यवस्था किए, स्टेबल का भी व्यवस्था हुआ, डेंगू का व्यवस्था हुआ। हम लोग उधर गए घूमे, सबको देखे पानी पूरा भरा हुआ था, उसके बाद में प्रशासन की तरफ से उसका व्यवस्था किया गया खाने पीने का, वो हम लोग पहुँचा रहे हैं वहाँ तक। अभी तक भी डेंगू से नाव से ही जो भी व्यवस्था है वो हम लोग पहुँचा रहे हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि जो बड़े ऊँची का है जो MP साहब या विधायक साहब वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, और उनको पहुँचने का भी कोई आशा नहीं है, इसलिए से वो अभी क्या कभी भी नहीं आते हैं यहाँ से। यहाँ का जनता कैसा है, कैसे क्या है, वोट के मेरे आते हैं, अपना झंडा दिखाते हैं, चल लेते हैं। और विशेष समस्या तो 2 वार्ड का ही है, उसके साथ साथ इधर का जो पानी उस तरफ गया उसके साथ साथ 4 वार्ड का भी समस्या गंभीर अब हो गया है, ठीक है ना, जिसमें 10 और 11 है और 14-15 है। हाँ यही समस्या हमारा है। जी आपका परिचय, आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह है। मेरा नाम संजय सिंह है और हम लोग यहाँ पे इसी आप धारा में आगे की तरफ बात करेंगे तो अदौरी और सोरी पाकर है जिसके मध्य पुल की मांग कर रहे हैं लंबे समय से। आज मोतिहारी से आवागमन तो कटा ही हुआ है, अगर वह पुल रहता तो शायद राहत के काम आता, लेकिन सवाल उस पुल का तो बाद में है, पहले तो यहाँ जनजीवन पूरा कुव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है। जैसा कि आपने सुना कि मवेशी का नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ ही है, साथ में पूरा फसल का नुकसान है। सवाल यह है कि ऐसा कहा जाता है कि यह प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि जोर नहीं चलता, इस आपदा से निपटने के लिए यहाँ तक NDRF की टीम समय से पहुंच जाए, SDRF की टीम समय से पहुंच जाए, इसके लिए अच्छी सड़क की जरूरत होती है जो नहीं है, इसके लिए पुल पुलिया की जरूरत होती है जो नहीं है, इस कारण से यह व्यवस्था ज्यादा है और व्यवस्था कम है और कुव्यवस्था ज्यादा है। अगर सच में सांसद विधायक के हाथ में कुछ नहीं होता तो फिर हम उन्हें चुनते क्यों है, फिर हम क्यों ना मतलब जो डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था है, पंचायत की व्यवस्था है, आज जिला मतलब आज पंचायत समिति खड़ी है यहाँ पे, आज मुखिया खड़ा है यहाँ पे, तो क्यों ना हम इस व्यवस्था पे जोड़ते हैं। धन्यवाद। जी आपका परिचय? जी मेरा नाम उमेश ठाकुर है। इस बाढ़ राहत में सांसद विधायक की तरफ से कोई आश्वासन मिला है या नहीं, सहायता मिला है? नहीं सर, यहाँ अभी तक कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं यहाँ नहीं पहुँचा है, और यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है किसान लोगों का, सभी धान लगा हुआ, गाना लगा हुआ, सभी आदमी यहाँ सब दह गया है, और 11-12-13 जो है वहाँ पे वो सभी आदमी को घर में पानी पहुंच चुका है, और सब आदमी बहुत यानी कि परेशानी में है, और उन लोगों को इधर मुखिया समिति साहब कहने का मतलब यहाँ यह है कि ब्राहिम मोहन और ब्राहिम जगदीश में भारी वर्षा और भारी बाढ़ के कारण काफी लोगों को परेशानी हुई है, यहाँ तक कि मवेशी भी दह गए, घर में पानी भी चला गया है, लेकिन सांसद विधायक की तरफ से कोई अभी सहायता नहीं मिले हुए। चलिए आपको फिर हम आगे मिलेंगे। मैं हरिशंकर जायसवाल, कैमरामैन चंदन द्विवेदी के साथ, UDA 24 न्यूज।